अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 36 एंड 72 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हमारे पास यहाँ जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं हम उनके अलग अलग सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं और फिर उन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हम उसका एलसीएम या एचसीएफ दोनों जो है वो ईजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फाइंड आउट करना सिखाऊंगी एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले तो हम इन दोनों वैल्यूज़ के अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। इस वक्त हमारे पास यहाँ दो वैल्यूज़ हैं जिनके हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट वैल्यू है 36 और सेकेंड वैल्यू है 72। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि प्राइम फैक्टर्स किस तरह फाइंड आउट करते हैं। जब भी हम किसी वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो उसका मतलब होता है कि उस वैल्यू को हमें कम्प्लीटली डिवाइड करना है जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए। और डिवाइड किससे करना है, डिवाइड हम कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से। अब बात आती है कि प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, अपने और दूसरे वन के, वो कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स किसी तीसरे टेबल में नहीं आते। यहाँ मैं आपको कुछ प्राइम नंबर्स की एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, जैसे कि 2, 3, 5, 7 और ये इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं। इनमें से भी जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है हमें हमेशा वहाँ से स्टार्ट लेना होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें आगे बढ़ना होता है अगर हमें जो हमारी वैल्यू है वो 2 से डिवाइड होती हुई नज़र नहीं आ रही होती। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है और 2 का मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल बता दूँ कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 हो तो वो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो इस वक्त हमें जो दोनों वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं उन दोनों वैल्यूज़ के लास्ट में इवन नंबर है तो दोनों ही वैल्यूज़ 2 से डिवाइड हो सकती हैं। तो इसे हम 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में लेकिन 3 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 2 आता है 1 पे। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 6 के पास और बन गया 16। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे। ये वैल्यू बन चुकी है 18। अभी भी ये वैल्यू 2 से डिवाइड होगी। जब तक ये वैल्यू 2 से डिवाइड होगी हम इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 18 आता है 9 पे। 9 ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3 और 3 से हम इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे कि क्या 3 से 9 डिवाइड हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे और 3 खुद एक प्राइम नंबर है। 3 को यहाँ में 3 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। अब जो नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास वो है 72। इसके भी लास्ट में इवन नंबर है, सेम ये वैल्यू भी 2 से ही डिवाइड होगी। 2 के टेबल में लेकिन 7 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 6 आता है 3 पे। तो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 2 के पास और बन गया 12। 2 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है 6 पे। ये वैल्यू बन चुकी है 36। अभी हमने 36 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं तो हम इसे ही देख के यहाँ कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास है 36 जो 2 से डिवाइड होगा। 2 के टेबल में 36 आता है 18 पे। 2 के टेबल में 18 आता है 9 पे और 9 को हमें 3 से डिवाइड करना है क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे और 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ हम 72 को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं और ये आ चुके हैं हमारे पास 72 के प्राइम फैक्टर्स। अब इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स को हम सबसे पहले तो इस तरह लिखेंगे। 36 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आए हैं 2, ये जो हैं इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद हम लिख लेते हैं 72 के प्राइम फैक्टर्स जो कि हमारे पास आए हैं 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम इनके कॉमन फैक्टर्स देंगे, देखेंगे हमें ऐसे कौन से फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं जो कि दोनों में सेम है, जिनका हमें पेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है कि 2 का पेयर बना, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे हमने यहाँ एक बार लिख लिया। उसके अलावा हमें एक और ये 2 का पेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने एक बार लिख लिया। 3 का पेयर बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने एक बार लिख लिया। एक और 3 का पेयर बना, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने एक बार लिख लिया। अब हमें मज़ीद कोई भी पेयर बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब हम देखेंगे ऐसा कौन सा रिमेनिंग फैक्टर है यहाँ जिसका कोई पेयर नहीं बन रहा, उसको भी हमने यहाँ कॉपी कर लेना है। ये हमें सिर्फ और सिर्फ एक ये 2 नज़र आ रहा है तो इसको भी हम यहाँ कॉपी कर लेंगे। और अब हम इन सबको करेंगे मल्टीप्लाई तो हमें पता चल जाएगा एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलिए अब हम जल्दी से इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि एलसीएम फाइंड आउट कर लें। 2 times 2 is 4, 4 times 3 is 12, 12 times 3 is 36 और 36 को मल्टीप्लाई करना है हमें यार 2 से, वो हम रफ़ में भी कर सकते हैं अगर हमें 36 का टेबल नहीं आता तो। 2 times 6 is 12 का 2 1 कैरी, 2 times 3 is 6 plus 1 7 मीन्स हमारे पास यहाँ लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ चुका है 36 and 72 का जो कि है 72।
देखा आपने कितनी जल्दी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करते हुए हमने एलसीएम फाइंड आउट करना सीख लिया है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।